Assalamualaikum everyone, this is Mohammed Khazan and people are watching Taleem Tech YouTube channel. दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे. ये दूसरा व्लॉग है कि YouTube के ऊपर कैसे ग्रो करें, how to grow on YouTube. और इसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आपके पास अगर रिसोर्स कम भी है तो तब भी आप कामयाब हो सकते हैं. और इसी के साथ अपनी वीडियो भी शुरू करते हैं. देखें, जब भी आप लोग ये सोचेंगे ना कि आपको YouTube पे काम करना है और वीडियोस अपलोड करनी है, तो आपके जहन में एक चीज जरूर आएगी और वो होगी कि यार पैसे कितने मिलेंगे, अर्निंग कैसे होगी. देखें, पहले YouTube पे ऊपर पैटर्न कुछ और था, अब YouTube पे ऊपर पैटर्न कुछ और है. पहले YouTube क्या करता था, YouTube ने एक फ्री ओपन प्लेटफॉर्म, फ्री रोम प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ था कि कोई भी बंदा आए, वीडियो अपलोड करे, मोनेटाइजेशन ऑन करे और पैसे कमाए. अब ऐसा नहीं है. अब चूंकि क्रिएटर्स थोड़े रह गए हैं और जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो लोग तंग करने वाले हैं ना, वो ज्यादा हैं. इनके फेक कॉन्टेंट बनाने वाले, लोगों का कॉन्टेंट चोरी करने वाले, वो लोग बहुत ज्यादा हैं. तो इसी वजह से YouTube ने कुछ पॉलिसीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर आपका चैनल है और उस पर कंटेंट मौजूद है, वो बेशक 5 वीडियोस हैं, 10 वीडियोस हैं, 1000 वीडियोस हैं, जरूरी ये है आपको YouTube के ऊपर मोनेटाइजेशन यानी कि पैसे कमाने के लिए कि आपके चैनल के ऊपर मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स यानी कि 4000 घंटे मौजूद हों उन वीडियोस के ऊपर. वो आपकी 10 में से एक वीडियो पे हो या टोटल 10 वीडियोस पे मिला के हो. अच्छा, ये चीज आप हासिल करने के लिए ना YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. देखिए, वो सिर्फ ट्यूटोरियल्स हैं. मैं आपको वो चीज बताने लगा हूँ जो आपके अंदर है. आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है यार, किसी से बाय करने की जरूरत नहीं. मैं कल एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, एक बीबी लगी हुई थी कि 2000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए मुझसे रब्ता करें. एनीहाउ, करना ये है कि आप लोगों ने अपना कोई भी कंटेंट जो चूज कर लेना, कोई एक टॉपिक चूज कर लेना, कोई एक टाइटल चूज कर लेना जिसके ऊपर वीडियो बनानी है. मिसाल के तौर पे अगर आप खाना अच्छा बना लेते हैं, आप खाने पर वीडियोज बनाना शुरू करते हैं. खैर, कंटेंट का ख्याल रखें, क्वालिटी का ख्याल रखें. स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं, अगर आपके पास कोई डेकोर वाला किचन नहीं है या आपका जहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं स्टूडियो बेहतर नहीं, कोई मसला नहीं है. जहाँ पे 5-10 लोग इंटरनेट पे बैठे हुए हैं ना, बुरे वहां पे 15-20 अच्छे भी बैठे हुए हैं जो लोगों के इस तरह के कॉन्टेंट को लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं. मैं आपको किसी दिन अपने कमरे का टूर करवाऊंगा और आप देखिएगा कि मेरे कमरे की हालत क्या है और ये अभी आप जो मुझे स्टूडियो में देख रहे हैं वो क्या है. तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फोन ले लेना, फोन के साथ अपनी वीडियो शूट करना और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं फोन में. उसके बाद शूट करने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि दो आपके पास ये हैं. एक आप यूज कर सकते हैं फिल्मोरा. मैं भी फिल्मोरा ही यूज करता हूँ अपनी वीडियोज को शूट करने के लिए. अडोबी प्रीमियर प्रो के ऊपर भी आप शूट कर सकते हैं एडिट, लेकिन फिल्मोरा मैं समझता हूँ कि जो अच्छी चीज़ है, स्पीडी इस पे काम हो जाता है. खैर, आपको इतना हैवी सिस्टम भी नहीं चाहिए इसके लिए. सेकंड चीज़, आपके जो माइक है जिससे आपने रिकॉर्डिंग करनी है, कोशिश करें कि वो बेहतर हो, अच्छा हो. अगर नहीं तो आपने फ़ोन के माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइमिंग. अपनी वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर आपने रेगुलर अपलोड करना. अगर आपका चैनल एक किचन रिलेटेड है या अगर आपका एक चैनल क्रिकेट स्पोर्ट्स रिलेटेड है, कोशिश करें अपनी वीडियोस शूट करें और अपनी वीडियोस के अंदर कोई गाने शाने ये वो किसी तरह का कॉपीराइट कंटेंट अपलोड करने से परहेज करें. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ बातें हैं. वक्त एक्चुअली थोड़ा है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मज़ीद बात करूंगा. तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करें और अपने आप को प्रिपेयर करें. मैं मुझे पूरी
उम्मीद है कि थर्ड वीडियो आने तक काफी कमेंट्स आ चुके होंगे जो लोग कहेंगे कि यार भाई हम बनाना चाहते हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो यही मेरा मकसद है और मैं यही चाहता हूँ। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त नहीं और मेरी हमेशा से आपसे एक ही रिक्वेस्ट रही है, वीडियो को बनाने में टाइम लगता है, चीज़ लगती है, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि मुझे आप सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके आप वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशन सारे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह टेक रिलेटेड और मोटिवेशनल स्पीचेस टाइप वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, फाइंदाबाद एंड गुड बाय।